नमस्कार मेरे हिंदुस्तानी प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी आलू और पलवल की भुजिया। ठीक है, भुजिया है ये। भुजिया मतलब जैसे कि हम आलू फ्राई या कोई पलवल फ्राई या गोभी फ्राई बनाते हैं, तो मैं उसी टाइप का शेयर करूँगी आपसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखते होंगे, अब मेरी वीडियोस में आपने पीछे देखा है कि मैं हमेशा ही थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, मैंने सामग्री लिया है। एक मिर्च लिया है, ये मैंने हल्दी लिया है आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, ये मेथी लिया है, मेथी का दाना बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के अकॉर्डिंग, ये मैंने प्याज काटा है दो, ये मैंने दो आलू लिए हैं छोटे दो आलू, ये पलवल लिया है मैंने 8 से 10। ठीक है, तो देखिए अब मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेती हूँ। कढ़ाई मैंने गरम करके रखा हुआ है, ये देखिए ये मैंने मिर्च डाल दिया है, तेल हमारा गरम हो गया। अब मैं इसमें मेथी दाना डाल दूंगी, ये हमारा मेथी दाना जो है ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऑनियन डाल देती हूँ, ये देखिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मेरी माँ बनाया करती थी, मेरे जो बड़े भैया थे वो नहीं खाते थे ये, और हम सभी खाते थे। फिर मम्मी बनाती थी इसे, बिल्कुल आज मैंने बिल्कुल मम्मी का हूबहू कॉपी किया है कि मम्मी आज मैं बनाती हूँ। चलिए टेंगे ले रहे मैडम। मैं आलू डाल दूंगी, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। प्याज हल्का ही ब्राउन किया है मैंने, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है। ये देखिए साथ साथ ये भुन जाएगा, और ये जो पलवल है ये भी साथ ही डाल दूंगी मैं। तो जो मेरे बड़े भैया हैं वो नहीं खाते थे, तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें ऐसे बना के साथ किया खिलाना। तो जो बात मेरी माँ के हाथों में नहीं थी, आज मैं आप सबको वो इंग्रेडिएंट बताना चाहती हूँ कि हाँ अब मैं बना सकती हूँ और बहुत अच्छा ही बना सकती हूँ। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसे भुन रहा है ये, मैंने फुल फ्लेम किया था। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगी, ये बहुत ज़्यादा ही तेज है। मैं इसमें नमक डाल दूंगी, अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। आप सब इसे ज़रूर घर में बनाएं और ट्राई करें। आप चाहें तो इसे पराठे से खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे दाल चावल और ये इसकी भुजिया बना सकते हैं। आप देखिए, आपने मेरे पीछे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला खाना बनाती हूँ। कितना प्यारा सा ये कलर आ रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ, थोड़ा सा ये हमारा आलू बॉईल हो जाएगा। अब हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसा है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा देखिए फ्लेवर आया है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप सब मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है ये, मैंने कैसा बनाया। आप देखिए रेडी हो गया ये। मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर मेरी वीडियो को, आपने इतने प्यार दिया मेरी वीडियो को, और लाइक भी करें, और बेल आइकन भी बजाएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। देखिए आप देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, और आप लोग प्लीज़ बनाएं और मुझे कमेंट भी करें, मुझे भी बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसा बनाया है। थैंक यू।